नमस्कार आदाब, न्यूज 5M जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के गोविंदपुर में कंपनियों के बसने से हो रही प्रदूषण के कारण इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रदूषण से लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और क्षेत्रीय कंपनियों में स्थानीय युवकों को रोजगार न मिलने पर भाजपा नेता विमल बैठक के नेतृत्व में पंचायत समिति एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय में लिखित ज्ञापन सौंपा। कंपनियों द्वारा CSR फंड से क्षेत्र में हो रहे समस्याओं का समाधान के लिए भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा, गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत छोटे बड़े मल्टीनेशनल सैकड़ों कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, न्यूवोको, क्राइनस स्टील, स्ट्रिप, ओहिल्स, पीके प्रेस मेटल, ब्रेक्स इंडिया, TVS, नेल्सन कंपनियों के गाड़ियों के ओवरलोडिंग के कारण सड़कों का क्षतिग्रस्त होना चिंता का विषय है। क्षेत्र में छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, पर क्षेत्र में जो CSR फंड के माध्यम से कंपनियों को क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्रीय जनता को सुविधा मिलनी है, जिसमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल कैंप जैसी सुविधाओं पर CSR फंड खर्च कर जनता को सुविधा देनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है जिसे क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसे जानलेवा बीमारियों से ग्रामीणों को सुरक्षित मिल सके। ना तो क्षेत्र में समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है और ना ही स्वास्थ्य शिविर जैसे कैंप लगाकर कंपनियों के प्रदूषण से ग्रामीणों को हो रहे बीमारियों की भी जांच कराई जाती है, परंतु कंपनियां सिर्फ अपना काम निकाल रही हैं और उन कंपनियों के प्रदूषण के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। झारखंड सरकार के कंपनियों में आदेश के अनुसार 75% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए, इस पर भी कंपनियां क्षेत्र के युवाओं को नौकरी नहीं देना और पंचायत समितियां द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई मदद ना करना, ये चिंता का विषय है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया उपायुक्त के द्वारा तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेरा नाम धुरंधर प्रसाद हुआ, गोविंदपुर क्षेत्र से है, छोटा गोविंदपुर से। वहाँ पे जितनी कंपनियाँ हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कंपनियाँ हैं, जो यहाँ का प्रतिनिधि लोग, मुखिया चाहे सरपंच चाहे वार्ड चाहे उप मुखिया, इन लोग मतलब सब लेटर देते के कंपनी में थक गए। ना ब्लीचिंग का व्यवस्था है, ना मेडिकल का व्यवस्था है, ना लोकल वहाँ का लड़का लोग को रखने का व्यवस्था है, बाहर से सब आके वहाँ पर काम कर रहे हैं। और गोविंदपुर में लोकल लड़का एक भी जो है वो काम नहीं करता है। उसको मतलब कंपनी में काम करने जाता है तो सब जानता है कि लोकल लड़का है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसी सब मुद्दा के लिए जितना प्रतिनिधि है बार बार लेटर देते हैं, उसके बाद भी इन लोग नहीं सुनते। एक बोरा ब्लीचिंग के लिए जाइए तो 50 बार वहाँ दौड़िए, उसके बाद आपको ब्लीचिंग मिलता है वहाँ पर। ना तो ऐसे कुछ नहीं, ना मेडिकल का नाम पे है, ना लोकल अस्थाई काम पे लेने वाला का बात है, ना कुछ है। इसी मुद्दा के लिए सब जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, उप मुखिया है, सबको इसी मुद्दा के लिए आए। तो अनुरोध है कि DC साहब से इस मुद्दा को कंपनी के साथ हम लोग को बैठक कराया जाए, बैठक करा के सब प्रतिनिधि लोग से बात किया जाए कि यहाँ क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या है। ना वहाँ पे लाइट है, ना रोड है, ना नाली है, कुछ नहीं, सिर्फ मतलब कचरा का अंबार भरा हुआ है, बस इसी बात के लिए। गोविंदपुर के मुखिया जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और साफ साफ एक ही मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है, वहाँ पर जो कंपनियाँ बसी हुई है उनका जो कचरा निकल रहा है, उस कचरे से कितना बीमारी फैल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो गोविंदपुर में आज लगभग 10 से 15 फैक्ट्री, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वहाँ बसे हुए हैं, टाटा कंपनी के फैक्ट्री हैं, जिसमें आपका टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, सबका कचरा गोविंदपुर होके जाता है और वो कचरा ये स्थिति में बैठ गया है कि लोगों को बीमारियां हो रही है। लोग आज डेंगू के शिकार हो रहे हैं, कचरा फैला हुआ चारों तरफ, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आज गोविंदपुर के मुखिया और जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और DC साहब से यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए, गोविंदपुर वासियों को न्याय दिया जाए। जो क्षेत्र में कचरा फैला हुआ है, कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, आपका निविको है, आपका रफा ये स्टील हिप्स है और कई कंपनियां वहां बसी हुई है, जो वहां के लोकल लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना CSR के माध्यम से वो किसी प्रकार का वहां एक्टिविटी कर रहा है। तो आज मुखिया संघ, मुखिया लोग
यहाँ उपस्थित हुए हैं अपनी बातों को रखने और फरियाद करने डीसी साहब से कि अगर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, इलेक्टेड जनप्रतिनिधि बने हैं, उसके बाद भी अगर वहाँ पर इस तरह का घटना होगा, इस तरह की बातें होगी, तो हमारा फरियाद कौन सुनेगा। इसके लिए आज यहाँ सभी मुख्य उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।